नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉप चेसिंग गर्ल्स, स्टॉप चेसिंग बॉयज। अगर आप एक लड़का हो तो लड़कियों के पीछे भागना बंद कर दो, अगर आप एक लड़की हो तो फिर लड़कों के पीछे भागना बंद कर दो। गाइज, ये चीजें काफी ज्यादा कूल लगती है और काफी बार हम अपोजिट सेक्स के पीछे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। यानी अगर आप एक लड़का हो तो आप कई बार एक लड़की के पीछे या फिर कई लड़कियों के पीछे अपना टाइम वेस्ट करते हो। आप लड़कियों को इम्प्रेस करना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि आपकी गर्लफ्रेंड नहीं गर्लफ्रेंड्स हो, हर जगह आपकी गर्लफ्रेंड हो। ये लाइफ काफ़ी कूल लगती है लेकिन इसकी रियलिटी काफ़ी अलग है। देखो, अगर आप दूर से किसी इंसान को देख रहे हो जिसके 2-3 गर्लफ्रेंड्स हैं, या फिर अगर आप दूर से किसी एक ऐसी लड़की को देख रहे हो जिसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं, तो ये चीज़ें आपको दूर से काफ़ी कूल लग सकती है, लेकिन इन्हीं चीज़ों के वजह से उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। दिस रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं, ये सिर्फ एक पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है। इसके अलावा भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है जिस पर हम फोकस नहीं कर पाते क्योंकि हमारा फोकस कहीं और होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप लड़कियों को इम्प्रेस करने के पीछे पागल हुए पड़े हो, अगर आपको लग रहा है कि मेरी 2-3 गर्लफ्रेंड रहेगी तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत है गाइस। क्योंकि अगर आप लड़कियों के पीछे भाग रहे हो या फिर अगर आप लड़कों के पीछे भाग रहे हो तो सिर्फ आप अपना प्रेजेंट नहीं बल्कि फ्यूचर को भी वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि प्रेजेंट में आप जितना ज़्यादा स्ट्रांग बनोगे उतना ही फ्यूचर आपका ब्राइट होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम हमारी एक आदत बना लेते हैं, हमें अभी ये लड़की दिख रही है तो हम उसके पीछे पागल हो जाएंगे, वो लड़की दिख रही है तो फिर उसके पीछे पागल हो जाएंगे। आपको हर जगह अगर ट्रू लव हो रहा है, सो कॉल्ड ट्रू लव आपके हिसाब से, सो यार ये करना बंद कर दो। अगर आपको आज ये लड़की पसंद आ रही है, कल ये लड़की पसंद आ रही है, क्योंकि जब भी आपकी किसी इंसान के साथ शादी होगी, अगर आप एक लड़का हो तो एक लड़की के साथ आपकी शादी होगी, अगर आप एक लड़की हो तो लड़के के साथ आपकी शादी होगी, तब आपको एक ही इंसान के साथ सारी ज़िंदगी रहना है, वो चीज़ें आपको बहुत टफ लगेगी। अगर आप हर दूसरे दिन ब्रेकअप करते हो, अगर आपका हर महीने में एक ब्रेकअप होता है और आप फिर दूसरी लड़की ढूंढते हो या फिर दूसरा लड़का ढूंढते हो, ये चीज़ें आपको कुछ देर के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ सालों के लिए अच्छी लग सकती है, लेकिन लाइफ टाइम तक नहीं, क्योंकि ये चीज़ें आपका सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही है। गाइज, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो तो वहाँ पॉजिटिविटी पर फोकस करो कि उस इंसान के साथ आप कैसे खुश रह सकते हो, इस पर नहीं कि आप आज इस इंसान के साथ हो, अब इस इंसान को छोड़ो, फिर दूसरे के पास जाओ, फिर उसको छोड़ो और तीसरे के पास जाओ। ऐसा करना बंद कर दो। अगर आप भी ऐसा कर रहे हो, अगर आपका भी टारगेट यही है कि मुझे गर्ल्स सेट करनी है, लड़कियों के पीछे भागना है, मुझे गर्लफ्रेंड्स बनानी है, गर्लफ्रेंड नहीं गर्लफ्रेंड्स बनानी है, तो यार ऐसा करना बंद कर दो। गाइस, एक चीज़ समझो, एक्चुअल में इन चीज़ों के अलावा भी लाइफ में बहुत कुछ होता है करने को, ये सिर्फ एक पार्ट है, लेकिन हम कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा आप इस पर फोकस करोगे आप उतना ही फंसोगे। अगर आपकी एक हैबिट है कि आपको हर लड़की पसंद आ रही है तो आप किसी एक इंसान के साथ कैसे खुश रह सकते हो? अगर आप हर किसी से अटैच हो जाते हो, आज आपसे ये लड़की ने थोड़ी देर के लिए अच्छी बात की और आप उसी से अटैच हो रहे हो, तो ऐसा मत करो। अगर आपको कोई नई लड़की दिखी और आप उसी को इम्प्रेस करने के पीछे पड़ जा रहे हो, सो इसमें क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। सो गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप चीज़ों पर फोकस करो, अपने लाइफ में पॉजिटिविटी पर फोकस करो, गोल्स पर फोकस करो, लाइफ में क्या चल रहा है उस पर फोकस करो, बल्कि लाइफ को कैसे चलाना है गर्ल्स को ऐड करके या फिर बॉयज़ को ऐड करके, इस पर फोकस मत करो। क्योंकि आज से 5-10 साल बाद लोग आपकी सक्सेस देखेंगे और आपके पास कितना पैसा, आप कितने खुश हो, आपकी फैमिली कैसी है, ये मैटर करेगा। ये मैटर नहीं करेगा कि आपके टीनेज में या फिर जब आप यंग थे तब आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी या फिर कितने बॉयफ्रेंड्स थे। जो भी एक साथ 2-3 लड़कियाँ या फिर 2-4 लड़के घुमा रही है, उनसे जाके पूछो एक्चुअल में उनके लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं इन चीज़ों के वजह से।
अगर आपको लग रहा है कि मेरी 2-3 गर्लफ्रेंड्स और मैं बहुत कूल हूँ, तो आप गलत सोच रहे हो। उन 2-4 लड़कियों के वजह से ही मेरे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। इसीलिए लड़कियों के पीछे मत भागो, या फिर अगर आप एक लड़की हो तो लड़कों के पीछे मत भागो। ये सारी चीज़ें दूर से ही अच्छी लगती है, जितना इसमें फंसोगे उतने फंसते चले जाओगे। इसलिए अभी बाहर निकल जाओ, गोल सेट करो, गोल्स को अचीव करने पे काम करो और धीरे धीरे अपने लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ो। गाइस, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो या पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो, तो आप मुझे पेड कंसल्टेशन के लिए इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कॉल की। इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।